Which is better, Android or iOS? Searching for Android versus iOS comparison. There is no definitive answer to which smartphone platform is better. सही खेल गया. It depends on your personal preferences and needs. Android and iOS have different strengths and weaknesses that you may want to consider before choosing one over the other. यार ये तो सही खेल गया यहाँ पे. मेरे को ऐसा लग रहा था कि Android और iOS को दोनों को ना हरा के ये Windows को क्यों ना जिता दे. क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ खुद Microsoft के Bing की. अब देखा तो जो Bing ने अपने जो नया सर्च इंजन निकाला है ना Bing AI, ये अभी अर्ली एक्सेस में है. और मेरे को अभी कुछ दिन पहले इसका अर्ली एक्सेस मिल गया और पिछले कुछ दिनों से मैं खेल रहा था और काफी सारी इनसाइट्स पता चली. देखो पहली चीज तो इसमें गूगल का किलर यहाँ पे समझ नहीं सकता क्योंकि अभी भी ये सीख रहा है और अभी भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज है. लेकिन हाँ कुछ ऐसे सवालों के जो जवाब होते हैं ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दे देता है. हालांकि अगर आप लोग यूज करना चाहते हो बिंग को तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी यहाँ सही खेल खेला है. उन्होंने बोला कि अगर आपको यूज करना है तो आपको हमारे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे. जैसे कि बिंग के अंदर जो चैट चलता है ना वो यहाँ पे सिर्फ आपका एज ब्राउजर में चलता है. अगर आपको नॉर्मल बिंग यूज करना है तो वो गूगल क्रोम में भी चल जाएगा. स्काइप के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर जो अभी मैंने वॉइस वाला फीचर यूज किया ना ये आपको बिंग की मोबाइल फोन की ऐप में देखने को मिल जाएगा. तो यार इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कर रखा है. हालांकि बात की जाए तो अगर आप कुछ सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दे देगा. जैसे कि मेरे को इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वो बताओ, हाल बता देता है. मेरे को स्पेस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताओ, वो यहाँ पे हाल बता देता है. ये कुछ फायदे उन्होंने यहाँ पे कर रखे हैं. लेकिन मेन मुद्दे की बात यहाँ पर ये कि जब हम कुछ सी चीज कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं ना तो आंसर्स काफी ज्यादा बदल जाते हैं. मतलब कि चलो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, गूगल और बिंग में फर्क क्या है. देखो बिंग यहाँ पे सिर्फ चैट फंक्शन का यहाँ पे यूज नहीं कर रहा. ये बेसिकली यहाँ पर क्या करता है कि अगर आपने इससे कुछ बोला तो ये इसके बाद सीधे सर्च करेगा, आपको लिखाएगा सर्चिंग इस टर्म को और उसके बाद इंटरनेट पे जाके उसकी जानकारी ढूंढेगा, उसे समझेगा और आपको प्रोसेस करके दिलाएगा. यानी कि आपको सर्च विंडो के अंदर ही रहना है, किसी वेबसाइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है. ये एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है क्योंकि दोनों चीजें मैंने यहां पे ऑब्जर्व करी. चलिए एक छोटे से एग्जांपल से दोबारा से समझाता हूं और उसके बाद एक लाइव डेमो देखेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर प्रॉब्लम है तो क्या है. तो सबसे पहले तो नीचे यहां पर जो बटन दिया गया इसे आप क्लिक करके पूरी जो चैट होती है ऊपर की क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसे समझ में आता रहेगा. अब इससे मैं एक सवाल पूछता हूं, बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर रुपीज 30,000 इन इंडिया. अभी मैंने 30,000 के बारे में बात करी है और अभी भी टाइम लगा रहा है. बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 इंडियन रुपीज इन इंडिया. सर्च कर रहा है भी है, देखते कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके सर्च करके रिजल्ट क्या दिखाता है. देयर आर मेनी स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 इंडियन रुपीज इन इंडिया दैट ऑफर ग्रेट फीचर्स एंड परफॉर्मेंस. अब आप खुद देखिए यहाँ पे कौन से फोन है. ये सारे जो फोन है ना कुछ पिछले साल के हैं, कुछ और पुराने और कुछ एकदम सही भी है. लेकिन सारे के सारे फोन ऐसे जो मार्केट में नहीं मिलेंगे. जैसे कि आखिरी जो फोन है ना गैलेक्सी A52s मार्केट से गायब हो चुका है. चलो वो सब हटा देते हैं, कुछ और बात करते हैं. बेस्ट स्मार्टफोन अंडर रुपीज 50,000 इन इंडिया इन 2023. अब मैंने इसे 2023 की डेट पूछी है. Best smartphone under 50,000 Indian rupees in India in 2023. There are many smartphones under 50,000 Indian rupees in India that offer great features and performance. Some of them are Samsung Galaxy Z Flip. अब आप ये देखिए कि Z Flip 3 50,000 रुपए के अंदर देखने को मिल सकता है. iQOO 90 मिल जाएगा लेकिन OnePlus 9 Pro तो आपका काफी पुराना फोन हो चुका है. तो हाँ यार देखा है तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसीज काफी हैं. और एग्जैक्टली में बात की जाए तो आप इसे 100% यहाँ पे रिलाय नहीं कर सकते. और कुछ केसेस तो बहुत ही ज्यादा अनोखे थे जो कि वन ऑफ केसेस होते, क्योंकि जो चीज मैं आप बोल रहा हूँ वो रिपीट अगर आप करेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी. जैसे कि मैंने पूछा ना 50,000 रुपए के अंदर कौन से फोन है, ये मैंने टाइप करके भी पूछा था और वहां पे उसने रिजल्ट में काफी सारे फोन बताए. फिर मैंने स्पेसिफिकली पूछा 40 से 50,000 रुपए में फोन बताओ और उसने पता है मेरे को कौन सा फोन यहाँ पे सजेस्ट कर दिया, वीवो का V27 Pro. ये फोन अभी 1 मार्च को यहाँ पे लॉन्च होगा. उसकी कीमत अभी पता नहीं ऑफिशियली लेकिन इसने रूमर प्राइसिंग इंटरनेट से उठा के वो भी मेरे को यहाँ पर दे दी. खैर इन सब चीजों के कारण इसके ऊपर 100% रिलाय नहीं किया जा सकता. लेकिन कुछ चीजें यहाँ से मेरे को पता चली, जैसे कि यहाँ पे आपको वेब सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल कि कौन सी वेबसाइट इसने क्या चीजें उठाई है, यानी कि बैक लिंक जो कहते हैं वो चीज है. इसके साथ ये भी पता चला था एक बार मेरे को कि यहाँ पे मेरे को बाइंग लिंक दे दी थी जिसमें क्रोम और रिलायंस डिजिटल के लिंक है. जैसे कि गूगल पे आप सर्च करते हो ना आईफोन सर्च कर दो, नीचे आपको गूगल में लिस्ट आ जाती है. ठीक ठीक वैसी चीज इसने यहां पर भी करने की कोशिश करी थी जो कि थोड़ा सा अच्छा लगा कि इस तरीके से लोग मोनेटाइज भी करने का यहां पे प्लान कर रहे हैं. लेकिन सवाल में मजा तो तब आता है जब मैं इससे पूछता हूं कि यहां पे गूगल अच्छा है कि बिंग अच्छा है. चलिए इसका भी एक लाइव डेमो दिखाता हूं और उसके अंदर देखा तो मजा काफी ज्यादा आता है. विच इज बेटर,
माइक्रोसॉफ्ट बिंग और गूगल सर्च? सर्चिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट बिंग वर्सेस गूगल सर्च, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. Both Microsoft Bing and Google Search are popular and powerful search engines that can help you find what you're looking for. However, they have some differences that might make one better than the other depending on your preference. But everyone says Google Search is much better than Bing. I understand that Google Search is more popular and widely used than Bing. However, popularity does not necessarily mean quality. Bing has some features and advantages that Google Search does not have. तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि exactly किस तरीके से Bing अपने आपको आके दिखाने की कोशिश करता है और Google Search के साथ, और ये चीज मैंने टाइप करने की कोशिश करी थी तो भी रिजल्ट्स यहाँ पर सेम थे. लेकिन अब आप लोग सोचो कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ. देखो टेक्निकली भी इंग्लिश और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस को ही समझता है, इंडियन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी का सपोर्ट इसके अंदर नहीं है. आप इसके अंदर लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर दिक्कत यह आती है कि उसके बाद जब आप कुछ टाइप करेंगे ना तो आपको हिंदी में टाइप करेंगे, उसके बाद ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, उसको सर्च करता है, जो रिजल्ट आता है ना उसके बाद उसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलता है, जिसके बाद से इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है. इसके साथ ही बात की जाए तो ये चैट जीपीटी से किस तरीके से अलग है. देखो चैट जीपीटी में क्या होता था कि आप सिर्फ जो प्री डिफाइंड डेटा है, जो डेटा उन्होंने ले रखा है डेटा सेट, उसके ऊपर वो काम करता था जिसपे एआई को उन्होंने ट्रेन किया. यहां पर क्या किया, वो एआई की जो ट्रेनिंग है वो तो उन्होंने लिए, प्लस इसे इंटरनेट से कनेक्ट किया कि कैसे इंटरनेट पर वेबसाइट्स को जाके विजिट कर सकता है, उनको समझ सकता है और आपको डेटा दे सकता है. इससे प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सर्चिंग फॉर लिखता है, रिस्पांस टाइम थोड़ा ज्यादा है. चैट जीपीटी यूज करना काफी ज्यादा फास्ट लगा, लेकिन ये यूज करने में थोड़ा टाइम कंजम्पशन ज्यादा लगता है, तो यार ये चीज लगती है. इसके साथ ही बात किया तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस डालकर भी कोशिश करी थी. जैसे जेई एडवांस 2022 का पेपर मैंने लिया था और उसमें से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और उसका भी यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था. ऐसी बात की जाए तो यहाँ पर मैंने बोला यार मेरे को स्कूल में रहता हूँ, स्कूल से मेरे को सिक लीव लेनी है, तो उसने कुछ सवाल पूछे कि आप प्रिंसिपल का नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए, और उसने मेरे को सिक लीव की अच्छे तरीके से एप्लीकेशन लिख कर दे दी, तो वो एक बेटर चीज यहाँ पर लगी. और हाँ, वॉइस का यूज करके भी आप सारी चीजें कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी काफी सही लगा इसका. लेकिन इसके साथ ही जब बात की जाए तो होमवर्क करने की, तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग पता चला. देखो चैट जीपीटी में क्या रहता था ना, आप क्वेश्चन लिखते थे आपको पूरा आंसर मिल जाता था, कुछ केसेस में इसको यहां पर आंसर भी देखने को मिल सकता है. लेकिन जब मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें पूछी, जैसे कि बात करें कि मैंने पूछा कि मेरे को एक कोड लिखना है पाइथन में सिंपल गेम का, तो यार इसने पूरी तरीके से मना कर दिया. इसने बोल दिया कि यहां पे मैं आपका कोड तो नहीं लिख सकती, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूं, रेफरेंसेस वगैरह दे सकती हूं. जबकि बात यह कि उससे पहले जब एक बार मैंने बोला था ना मेरे को गेम का कोड लिख कर दो, तो उसने गिटहब से कोड भी निकाल कर यहां पर मेरे को दे दिया था. तो हाँ, इस टाइप की कुछ चीजें. इसके साथ ही बोला मैंने कि C++ में गेम लिखो, तो कुछ इसने क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद कुछ बेसिक चीजें बताई और एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दी गेम कैसे करना है या फिर आपको बनाना कैसे है. लेकिन एग्जैक्टली आपको पूरा का पूरा जो काम किया हुआ देखने को मिल रहा था ना वो नहीं है. हालांकि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बेटर चीज कर दी, अगर आप सोच रहे हो कि बिंग का यूज करके प्रॉपर होमवर्क कर लोगे, वो चीज अब नहीं होने वाली, वो चीज माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने यहाँ पर चीजें खत्म कर दी है. तो यार लास्ट में सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या गूगल सर्च को खत्म कर देगी? देखो मेरे को लगता नहीं कि गूगल सर्च को खत्म करेगी, मेरे को लगता है कि गूगल और बिंग पैरेलली एग्जिस्ट करेंगे और बिंग का लोग यहाँ पे इस तरीके से ज्यादा यूज करना पसंद करेंगे, जहां पे लोगों को तुरंत आपको एक आंसर की जब रिक्वायरमेंट है वो है. लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से कुछ रिसर्च करना चाहते हैं ना, तब आपको वेब रिजल्ट्स को देखना ही पड़ेगा. आप उसके अंदर 100% AI पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली बात यह कि आप जो चीज देखना चाहते हो ना वो चीज आपको दिखाएगी, यानी कि जिस चीज के बारे में आपको जीरो नॉलेज और आपको बेसिक चीज उसकी देखनी है देख लो. यानी कि अगर आपको देखना है कि एंड्रॉइड क्यों बेटर है उसके रिजल्ट दिखा देगी, iOS क्यों बेटर है उसके रिजल्ट दिखा देगी, और जब आप कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछोगे तो बीच में से मस्त एक आंसर दे देगी और साइड में एक इमोजी यहां पर लगा देगी. तो यार बात किया तो गूगल का किलर तो यहां पर नहीं है, लेकिन चीज यहां पर काफी अच्छी है. हालांकि मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अभी काफी ज्यादा अर्ली एक्सेस में है और इसके अंदर अभी इंप्रूवमेंट हो सकता है. इंडिया में तो अभी धीरे धीरे इसका एक्सेस मिलना शुरू है और अब ये धीरे धीरे यहां से बेटर होगी. अब मेरे को लगता है कि अभी इसकी जो स्टेट है ना, आने वाले 6, 8 या 9 महीने के बाद स्टेट काफी ज्यादा बेटर होगी. क्योंकि एआई के बारे में बात ये कि जितना ज्यादा आप एआई को यूज करोगे उतना ज्यादा सीखेगा, समझेगा और बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा. और हाँ, कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शंस माइक्रोसॉफ्ट ने यहां लगाई है जिससे एक सेफ सर्च का एक्सपीरियंस दिया जा सके, क्योंकि लोग इससे काफी सारी चीजें अजीबो गरीब यहां पर करवा सकते हैं. लेकिन हाँ, बिंग के अंदर आपको चीज अच्छी देखने को मिल रही है. कुल मिला के बात की जाए
चीज इन्होंने बढ़िया बनाई है, उसके ऊपर थोड़ा सा और काम कर ले तो बेहतरीन चीज होगी, लेकिन एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और लाइव डेमोज भी हमने यहाँ पे ट्राई कर तो वो भी काफी अच्छे तरीके से चले। और इस बार मैं आपको बता सकता हूँ कि जहां पहले सीरी, गूगल असिस्टेंट, इवन बिक्सबी या फिर इवन अलेक्सा हल्के से गिमिक से लगते थे ना कि कुछ चीज उस पर ट्रेन की गई है, ये काफी ज्यादा एडवांस यहाँ पे लगता है उनके कंपेरिजन में, क्योंकि डेफिनेटली AI का यूज करके उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे डेवलप करी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग का है डेमो दूंगा, तो कर दिया। आप इसे चाहे तो अर्ली एक्सेस में अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब तक इसका प्रॉपर रोल आउट ना हो जाए तब तक आप इसका वेट यहां पर कीजिए। और ये नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, बिंग AI जो रहती क्या वो गूगल सर्च को खतरा दे सकती कि नहीं दे सकती, ये सारी बातें आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।